हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। वीडियो मॉर्निंग से शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा काम रहता है, इस काम के बीच में मुझे याद नहीं रहता आप सब से बात करना, और ना ही वीडियो बनाने का याद रहता। जब याद आ जाता है तो कैमरा उठा लेती हूँ, नहीं तो बस मेरी वीडियो इतनी कम रहती है। रोज़ काम के चक्कर में मुझे काम की ज़्यादा रहती है, वीडियो की कम, क्योंकि अब तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, बहुत सारी फैमिली जुड़ गई है मेरे साथ में। अब मुझे वीडियो पर भी ध्यान देना पड़ेगा और काम पर भी। तो सुबह के काम जो है मैंने सारे ख़त्म कर लिए, बर्तन धो रही हूँ सुबह के, फिर किचन साफ करना है, तब तक दोपहर का टाइम हो ही जाएगा। इतना हो गया पूरा मका, इतना हो गया चूल्हा, एक पटड़ी हो गई। सब जगह देख धरी है, वहाँ से ठहर सब ठहरे से भेजी इंडिया। 3 दिन बताओ इसकी पटेरी सुखे हो रहा है, जब इसकी पटेरी ये सही नहीं है, इसके चुन लगे खा ले जाए, फिर कर दूंगी बाद में। अभी मैं अपना सारा काम छोड़ के आई हूँ नीचे। आप सब बोल रहे थे कि चूल्हों की पूरी वीडियो दिखाइएगा दीदी, तो चूल्हे हमारे धीरे धीरे बनेंगे, एक पार्ट सूखेगा तब दूसरी पार्ट दी जाएगी इस पर। तो अभी आप सबको दिखा देते हैं थोड़ा सा, और दो बनते हैं बना कर दिया कोठी कट्ठी तो अभी मम्मी 2 दिन से इन्हें बना रही हैं चूल्हों को, और अभी इतने सूख गए हैं ये, एक पटड़ी अब सूखी है उस पर आज बाँट दी जाएगी। अभी पहले मम्मी मिट्टी बना रही है इनके लिए, मिट्टी को तो हम साथ के साथ ही बनाते हैं, नहीं तो सूख जाती है फिर। तो इसमें भूस भी डाल लिया है, भूस डालने से मजबूती आती है, मैंने पहले बताया था। अभी तो हमारे यहाँ और भी मिट्टी आएंगी, उनसे भी बहुत कुछ बनाना है अभी शादी के लिए। ये सब तैयारी शादी के लिए करनी पड़ती है पहले ही। चूल्हे तो तैयार कर लिए, जो हमारे यहाँ छई होती है उसका खाना इन वाले चूल्हों पे ही बनता है, जो हम बनाते हैं पहले ही शादी से। अब 2 दिन से धूप भी बहुत मीठी मीठी निकल रही है, पता नहीं कब तक सूख पाएंगे। आज भी बहुत ही कम धूप है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं आगे आगे कितनी सर्दी होगी, कैसे काम किया करेंगे इतनी सर्दी में। जब धूप रहती है तब तो हाथ पाँव सरकते भी हैं, नहीं तो बस ऐसा मन करता है रजाई में ही घुसे रहें पूरा दिन, जब ज़्यादा सर्दी होती है। पर क्या करें, काम तो अपना करना ही है, चाहे कितनी सर्दी हो गर्मी हो, काम तो जो है वो तो हमें अपने खुद से ही निपटाने हैं, कोई दूसरा तो नहीं करेगा आके। तो चलिए अभी मैं मम्मी की थोड़ी सी वीडियो बनाने के बाद, ऊपर मेरा सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है, और फिर नीचे आने में मुझे डर लगता है क्योंकि बंदर एकदम आ जाते हैं, पता नहीं उनकी क्या नज़र हम पे रहती है, हमारे इधर उधर होते ही आ जाते हैं वो तुरंत। अभी मैं जिक्र कर रही थी कोठी का, कोठी जैसे हमारी अब अनाज रखते हैं हम, जिसमें गेहूँ अब तो टीन की आती है, पहले मिट्टी की बनती थी कोठी भी, उन्हीं में अनाज डालते थे सभी तरह का, जैसे चावल हो गए या फिर गेहूं जो भी कुछ होता था उन कोठी में ही रखते थे। अब तो किसी के घर में भी नहीं मिलेगी, जो पहले अगर किसी का कच्चे मकान मिल जाए तो शायद मिल सकती है, नहीं तो नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो आप सबको ज़रूर दिखाती, आपका भी देखने में बहुत मन लगता। वैसे बहुत लोग जानते होंगे उनके बारे में, गाँव वाले तो जानते ही जानते हैं सभी, भले ही वो वाली कोठी बनानी बंद कर दियो, पर शादी के टाइम में जैसे हम चूल्हा बना रहे हैं ऐसे एक छोटी सी कोठी बनाई जाती है, जिन जिन के घर में शादियाँ होती है गांव में, कोठी भी ज़रूर बनती है और चूल्हे भी। अभी भी ये परंपरा है, भले ही बहुत कुछ बदल गया हो पर जो हमारी पहली परंपरा है वो अभी तक नहीं बदली, उनके साथ साथ ही चलते आ रहे हैं गाँव के लोग। और वो जो मिट्टी की कोठी होती थी ऐसे होते थे वो कमरे से, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे कमरे हों, हमारे मामा जी के वहाँ पे थी, हम उनमें खेलते थे लुका छिपी का खेल, बहुत खेलते थे उनमें, छिप जाते थे और मिलते भी नहीं थे जल्दी सी, तो बहुत मन लगता था। और वो दिन आप भी याद आते हैं मेरे। अभी मम्मी को ये सब करते हुए देख मेरे एकदम दिमाग में आ गया कि मम्मी कोठी भी तो बनाते हैं शादी में, फिर मैं मम्मी से पूछी थी तो मम्मी के भी याद नहीं, कह रही थी कि पता नहीं लड़की की शादी में बनाई जाती है या लड़के की, पूछना पड़ेगा तभी देखेंगे तभी बनाएंगे, छोटी सी एक कोठी भी बनेगी। तो अभी एक बार फिर से आप सबको बता देती हूँ, आप सब कमेंट करके पूछते रहते हो, वैसे मैंने कई बार बताया वीडियो में कि शादी किसकी है, आप पूछते हो देवर की शादी है या ननंद की। अभी मेरे देवर की शादी है, इनके बाद नंबर आएगा ननंद का, तो चूल्हा हमारा 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा अगर धूप अच्छी निकली तो। अब मम्मी इसको कर देंगी, और इधर वाला भी आधा हो गया है, इस पर भी एक बाट आ जाएगी आज,
तो ये सूख जाएगा कल तक। ये तो शायद दूसरे वाला तो हमारा 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा, बस धूप निकलने की बात है, नहीं तो जल्दी ही सूख जाएंगे चूल्हे। तो दीदी लगा रही हैं पोछा और मुझे भी खाना बनाना है। आज सवेरे सवेरे ही लग रहा है पोछा, क्योंकि कपड़ों का काम तो ख़त्म हो गया। रोज़ कपड़े धुलते हैं उधर, तो फिर सारे में गंदा हो जाता है, उधर से पानी के पैर ले लेके आते हैं, सारे में पैर छप जाते हैं। तो आज हमारा जो है कपड़ों का काम तो ख़त्म हो गया, और अभी बस दोपहर का खाना बनाना है, तब तक दीदी पोछा लगा देंगी। पोछा वैसे ज़्यादातर मैं ही लगाती हूँ, कभी कभी आता है दीदी का नंबर और इनसे लगाया बिन जाता, थक जाती हैं ये। कह रही थी कि अभी बेड के नीचे बहुत ज़्यादा धूल सी हो रही है, वाइपर लगा दूंगी इसके नीचे। कितने भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर ले फिर भी बेड के नीचे धूल हो ही जाती है रोज़, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी। और इनके नीचे फिर हाथ भी नहीं जाता, पता नहीं कैसे कैसे तो पोछा लगता है इनके नीचे। कभी तो बड़ी सी हम डंडी लेंगे उससे लगाएंगे, या फिर वाइपर से, वाइपर से अच्छे से हो जाता है। वैसे मैंने इसी वजह से ऊंचे ऊंचे गुटकों पे रखा हुआ है बेड, आसानी से हाथ चला जाता है, झाड़ू लग जाती है। इनके थोड़े नीचे हैं गुटके, तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है सफाई करने में। ऐसे पोछा लगाना भी बहुत मेहनत का काम है, थक जाते हैं। वैसे रोज़ मैं ही लगा लेती हूँ इनका, तो कभी कभी नंबर आता है, और वैसे ये थक जाती हैं, ज़्यादातर मैं ही लगा लेती हूँ। कभी कभी लगा देती हैं ये भी जब मैं ज़्यादा बिजी हूँ। और देखिए अभी जब मैं नीचे गई थी, बंदरों का जिक्र कर रही थी, बंदरों ने क्या किया, हम दोनों अपने अपने काम में लगी हुई थी, बंदर जिया का फिरोक ले गया और मैंने इसे रोटी डाल दी थी, नहीं तो फाड़ देता। अभी हम इसको ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसे नहीं उठ रहा था, डंडा वहाँ तक जा ही नहीं रहा था। फिर बड़ी दीदी से बोला, बड़ी दीदी ने सीढ़ी लगाई और जाके किट्टू लेके आई है। फिर फिरोक बंदर तो भगा दिया था हमने। अभी नीचे का काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मम्मी पहले चूल्हे बनाने में लग गई थी, अभी नीचे धुलवा देंगी दीदी के साथ में मिलके, तो नीचे का काम भी ख़त्म हो जाएगा और ऊपर हम दोनों लगी हुई हैं। दीदी पोछा लगा रही थी, मैं किचन का काम ख़त्म कर रही थी। आज मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊँ, ठंड हो रही है और काम को बहुत लेट हो गया, अगर खाना बनाने में लगी तो और लेट हो जाएगा और फिर और सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा शाम तक। अभी आगे आगे और भी हालत ख़राब होने वाली है, शादी का काम इतना फैलेगा कि हमें टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी, छोंक भी बना के रख लिया था, आलू काट लिए थे, टमाटर भी, सारे सूखे मसाले भी एक जगह कर लिए हैं, और अभी छोंक हो गया था तो मैंने इसमें आलू भी डाल दिए, टमाटर भी पहले ही इसमें अच्छे से पका लिया, उसके बाद ही डाले आलू। और अभी चावल धो के डाल दूंगी, 2-3 सीटी में खिचड़ी बन जाएगी। और इधर चाय रखी हुई है, मम्मी का मन कर रहा था, मम्मी और दीदी इनके लिए बनाई है चाय, वो दोनों ले लेंगी। दीदी कह रही थी कि पोछा लगाते ही एकदम सर्दियों में चाय की याद आती है, तो चाय बना दो, इसी वजह से बना ली। और मम्मी का भी मन कर रहा था, हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पीले चावल भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। इसे बनाने से एक आसानी हो जाती है, जिस दिन ज़्यादा काम हो उस दिन मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर आराम से मैं तसल्ली से काम कर सकती हूँ अपना बाकी का। और वैसे सभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खाता नहीं, पापा जी नहीं खाते, उनके लिए मैं मूली के पराठे बना दूंगी, मूली रखी हुई है, पापा जी को नुकसान देती हैं चावल की बनी हुई कोई भी चीज़ हो। फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल, मस्ट फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो मैंने मॉर्निंग से ही शुरू की थी, चूल्हे भी कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 दिन में, लगी हुई है मम्मी, पूरी मेहनत कर रही है कि जल्दी ही बन जाए, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है और आज फिर से बारिश का मौसम हो रहा है। अब तो ऐसे ही दिन रहा करेंगे, धूप तो निकली नहीं, सर्दी हो रही है बहुत, देखिए मौसम कैसा हो रहा है, किस तरह का हो रहा है मौसम। आज धूप नहीं निकली आज सुबह से बिल्कुल भी, सर्दी लग रही है आज। 2 बार नहा ली मैं, फिर भी कितनी भी सर्दी हो पर 2 बार तो मैं नहा ही लेती हूँ। लो जी आपकी मूंगफली बच रही। अच्छा जी, मैं कल सारी चाबका आएगी। नहीं आपकी चाबका। अच्छा जी, लीजिए फ्रेंड्स मूँगफली खा लीजिए, मूँगफली बहुत अच्छी लग रही। मम्मी मार्केट में गई थी और तो कुछ लेके नहीं आई, देर हो गई और बस मूँगफली मूँगफली लाई है। और अच्छा, तो भाई साहब आए हैं, बुआ जी के लड़के, वो लेके आए हैं। और ये क्या लेके आए हैं बाजार से? मम्मी कुछ नहीं लाई, मम्मी तो रोटी जल्दी बना दो एकदम। भीड़ कहाँ मंगल था? हाँ बहुत भीड़ और थी मंगल में, भीड़ रहा था। क्या लाऊं? चप्पू दे जल्दी, अभी कर लो। मम्मी के फिर से जूते आ गए, अब कतन लिया छोटे? बिल्कुल सेम है ही। छोटे ले कर सोची की माँ जी। तो फ्रेंड्स देखिए मम्मी जूते पहन के आई है, और तो कुछ नहीं लाई, और कुछ नहीं लेके आई, बस जूते जूते लाई। और ये रोड हमारे ठीक होने के लिए गई थी, होगी ठीक आपके लिए आई सोने है जो भी, तो है डोरी तो इसमें नहीं, डोरी तो है उन अंदर कावले गिरे इसमें अंदर की। फिर कितने रुपये की? देखो देख कितना महंगा कतली सूची लाई, बिल्कुल यही रंग यही जूता, और ऐसे ही 500 रुपये की लाई मम्मी से कुछ। तो कुछ तो अंतर होगा। तो
तो कुछ तो अंतर होगा। तो जूतों में फर्क भी होगा माँ का दी, जूतों में फर्क हो है? जूतों में फर्क ना, मैंने हाथ में नहीं लेकर देखे। तो फिर जिया की वैली महंगी थी 300 रुपए की। जिया की वैली महंगी तो लगी रही है। हाँ 200-250 रुपए की ऐसी है ये, 201 रुपए की लल्ली मेरा पूरी सही है सत अपना सही। बस जहाँ भी जान लगा वही सही क्या कर रही हूँ कहीं, मैं तो अभी फोन करके पूछ लूँ देख उसका। अपना ही बाजार सही लगा सबको, जो दूसरे बाजार में जाओ महंगा ही लगा, अपने आप जाओ जहाँ वही सस्ता लगे। अभी तो आप मेरे पास आया था पूछ रही कई शादी, मैं कैसे कैसे जाऊँगा नाटक चलता चलता वीडियो बन जा मेरा, मेरा नाटक भी नाटक भी खिचड़ी और चाय चल रही भैया। भाई भाभी ने आज मेरी जी फुकवा दी बालकों बालकों फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स हमारे। आई आई जी पूरी अभी खाना पीना सबका हो गया। दीदी खा रही थी यहाँ पे, उनके साथ में लक्की खा रहा था, अभी मैं भी रह रही हूँ। वैसे इन्होंने सबने कर लिया खाना पीना, इनका सबका हो गया। ये हैं बुआ जी के लड़के, जो अभी बुआ जी आई थी उनके बड़े बेटे हैं ये, इन्हीं की बात कर रही थी मैं। ये शाम के टाइम में आए थे, कुछ काम था इन्हें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सोने की तैयारी हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं लूडो आज, तो मैंने सोचा वीडियो कैंड कर लेते हैं। और एक मेहमान और आया हुआ है हमारे यहाँ, आप सबको मिलाना भूल गई, मेरा भाई आया हुआ है, वो शादी में आया था फिर यहीं पे आ गया, अब सुबह को जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैंड कर लेते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मुझे यहाँ पे अपनी आवाज़ बंद करके वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, बच्चे लूडो खेल रहे थे अपने मामा के साथ में, बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहे थे, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और आप सबको तो कुछ भी नहीं सुनता, इसी वजह से मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो ये मेरा भाई सुबह को बारात में यहीं से जाएगा, अभी तो कल का दिन भी इसका यहीं पे लगने वाला है, बारात में यहीं से जाएगा। और फिर इसने सोचा कि रात को बच्चों के पास में चला जाता हूँ, यहाँ ज़्यादा मन लगेगा। तो अब सारे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं और लूडो खेल रहे हैं फ़ोन में अब। तो चलिए अभी इसी के साथ में मैं भी वीडियो का एंड कर लेती हूँ, अगर आप सबको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट भी। मिलते हैं अब कल, तो चलिए अब मिलेंगे कल, कल तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए कद्दा वैसे लगा फिर ना लग दे, मैं तो रात को लगा के छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए, यार बस तू सी हो जा कमरे में। हट जा, हाई कर दे मम्मा, देख हाई जंप बालवीर में, नए वाले में पुराने वाले में। अच्छा मच्छर पेंसिल, वैसे तो उन पे भीतर जाने जाते क्लास में, पेंसिल खा के भीतर चलेगा, चिटकनी बंद कर दी इसकी।